हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मोटोजे राइडर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस इंटरकॉम के बारे में जो बहुत अच्छा है, जो आता है वी नेट फ़ोन कंपनी के तरफ से। तो ये उसका बॉक्स है, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। मैं आप लोगों को फिर भी इसका इंस्टॉलेशन बताऊँगा, बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है वो सब बता दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था, ये वी नेट फ़ोन ब्रांड की तरफ से आता है। इसको आप बेसिकली यहाँ नीचे से ऐसे ओपन कर सकते हो एक उंगली से। इसके अंदर ऊपर आपको पहले डिवाइस मिल जाता है जो कि फुल ऐसा मस्त रबर मटेरियल का है, तो ये स्प्लैश प्रूफ तो है ही, आराम से बारिश में भी हल्का फुल्का यूज़ कर सकते हो इसको। यहाँ पर नीचे आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है। तो ये अच्छा है कि ये गोल्ड प्लेटेड भी है, तो इसके अंदर पानी जाने का भी डर नहीं रहता है क्योंकि आपके हेलमेट पर ऐसे लग जाएगा। फिर नीचे आपको ऐसा दो ये चिपक गया, देखिए। तो यहाँ पे आपको दो स्पीकर और एक माइक मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक 3.5 mm जैक वाला, नाइस। साथ ही में आपको कंपनी की तरफ से एक मैनुअल भी प्रोवाइड कर दी जाती है। मैनुअल स्टार्ट से पढ़ना, बीच में से मत पढ़ना क्योंकि इंग्लिश स्टार्टिंग में है। और नीचे आपको थोड़ा सा किट भी मिल जाता है। तो किट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दो वेलक्रो मिल जाते हैं और दो हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं, वो हम बाद में आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिखाएंगे कैसे लगाए थे। प्लस ये आपको एक आपका जो इंटरकॉम है वो फिट करने के लिए है और ये उसका सपोर्टर है, तो आपको सपोर्टर भी दो मिल जाते हैं। साथ में आपको चार स्क्रूज मिल जाते हैं और एक एलन की भी मिल जाता है। तो इतना ही आता है बॉक्स में, दो स्क्रू ले ली हमने। फिर आपको इसका एलन की ले लेना है। एलन की हो गया, स्क्रूज हो गया, ये वाला एक पार्ट ले लेना, कोई भी एक ले सकते हो, ये आ गया और ये आ गया। तो अभी फ़िलहाल इतनी ही चीज़ें लगेंगी। नहीं, ये स्टील वाला नहीं चाहिए, प्लास्टिक वाला चाहिए, स्टील वाला काम करें हमारे। तो बस ये दो स्क्रू, एक इंटरकॉम वाला पार्ट, एक सपोर्टिंग के लिए और एलन की, इतना मिल गया तो यू आर गुड टू गो। तो पहले आप क्या कर लेना, ये जो पार्ट है ये बाहर लगता है और ये वाला अंदर जाता है। तो आपको पहले इसको फिट करना है ऐसे, ये अंदर चला गया ये बाहर आ जाएगा। इसको जब आप फिट करोगे, कहाँ चला गया ये ऐसे फिट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपरली चेक करना है कि कोई स्पेस ना रहे और वो प्रॉपरली अलाइन रहे। तो आप जब उसको ऐसे करते हो, अरे ऐसे घुमाओ, तो आपको स्क्रूज के होल्स भी दिखते हैं अंदर, ताकि आपको स्क्रूज लगाने में आसानी हो। एलन की को अंदर फेंक, ये दोनों कस के बैठ गए, अभी ये हिल नहीं रहा है, मस्त। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब हमको क्या लगाना है, स्पीकर्स और माइक। हम स्पीकर्स और माइक ले लेते हैं, आइए। तो आपको स्पीकर्स और माइक ले लेना है। आप ये एलन की रख सकते हो, आपको हेलमेट ऐसा है, ये पकड़ लो। तो ये हेलमेट आपको दिख रहा है कि आपने आपका जो सेटअप है वो यहाँ पर बिठाया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप स्पीकर्स और माइक फिट कर रहे हो, ये हटा दो, तो आपका ये जो जैक है, आपका ये जैक जहाँ पर आपने आपका किट इंस्टॉल किया इंटरकॉम बिठाने के लिए, ये वो साइड आना चाहिए क्योंकि इसकी वायर छोटी है। तो ये जो स्पीकर है ये हम हमारे लेफ्ट साइड में बिठाएंगे और ये जो दूसरा स्पीकर है ये राइट साइड में जाएगा। तो चलो बिठाते हैं अभी। तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, क्योंकि इसको वेलक्रो है तो ये चिपक बहुत अच्छे से जाता है। तो आपको सिर्फ इसको ऐसे एंगल पर लेना है और आपको स्टिक कर देना है। बचपन में जब हम आर्ट क्राफ्ट करते थे तो फेविकॉल कैसे यूज़ करते थे, सेम वैसे ही है। थोड़ा सा प्रेस कर देना, ज़्यादा मत करना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब भी हो सकती है। ये वायर बाहर ले लीजिए, ये वायर को पीछे से ले लेना, जो कि आपका हेड का रेस्ट है, जो आपका कुशन आता है, ये उसके पीछे यहाँ पर कवर हो जाएंगे ऐसे। और ये दूसरा वाला यहाँ पर आप ऐसे स्टिक कर देना। दोनों स्टिक हो गए अच्छे से, तो ये आपका हो गया।
आपका ये सेटअप होने के बाद आपका जो माइक है उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना आपके फेस के पास, बस अब खाली कुशन लगाने का काम बचा है। तो हमारे तीनों कुशन अभी बैठ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्पीकर है, जहाँ पे होल्स वाला पार्ट था वहाँ पे पहला स्पीकर लग गया है, यहाँ पर दूसरा लग चुका है, माइक भी बराबर हमको जहाँ पर चाहिए था माउथ की प्लेस पर वहाँ पर भी हमारा माइक आ चुका है बराबर। अब हमने इंटरकॉम ले लिया है, इसको पीछे ऐसे दो लाइन्स होंगी उसको आपको ये दोनों के साथ मैच करना है यहाँ बीच में और उसको बस आपको नीचे स्लाइड थ्रू करना है। मैच नहीं हो रही है, हाँ ये हो गया मैच। ऐसा चले जाता है ना तो यहाँ पर उसका लॉक है, वो लॉक लग जाता है। ये लॉक लगने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये वायर लेनी है और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है और आपका इंटरकॉम का सेटअप रेडी हो चुका है। बट ऑन करना, पेयर करना, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये डिवाइस फास्ट पेयरिंग के साथ आता है, तो जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हो और आपने पहले भी कनेक्ट करके रख चुका है तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको ऑन करने के लिए आपको बस ये जो बाइक वाला बटन है इसको 2 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और ये ऑन हो चुका है। बट ये इससे ही ऑफ नहीं होता है, ऑफ़ करने के लिए आपको ये जो छोटा बटन है ये यूज़ करना है, ये प्रेस कर दोगे ये ऑफ हो जाता है। बाकी आपको म्यूज़िक प्ले पॉज करने के लिए ये वाला बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए ये वाला है, इसको अगर होल्ड करके रख सकते हो तो आप नेक्स्ट ट्रैक पर जाओगे, इसे प्रीवियस ट्रैक पर चले जाओगे, यहाँ से आप कॉल रिजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, यहाँ से आप रिजेक्ट कर सकते हो। ये वाला फीचर अच्छा दिया है कि यहाँ से आप जो प्रीवियस डायल नंबर है उसको कॉल कर सकते हो। ये वाला पेयरिंग के लिए यूज़ होता है, बस इतना ही है। आगे हम आपको दिखा देंगे इसका माइक का क्वालिटी कैसा है और अंदर से गाना लगाने का सुनने कैसे आता है। तो अभी ये जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये जो हमने ऑलरेडी अभी इंटरकॉम फिट किया है ये उसके माइक से आ रही है। तो आपको कैसी लग रही है ये क्वालिटी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ आपको इसके स्पीकर्स बताते हैं कि कितने अच्छे हैं, उसके लिए हमने माइक ले लिया है। हम माइक को यहाँ पर ऐसे क्लैंप कर देते हैं, यहाँ पर माइक सेटअप हो चुका है। अभी हम एक गाना प्ले कर लेंगे और आपको दिखाते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी कितना अच्छा है। तो यहाँ से जो बटन है इसे हम इसका इसका फुल वॉल्यूम है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो बस यही था। तो अभी हम आ जाते हैं जो फाइनल चीज़ जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो कि था इसका प्राइसिंग कितना होने वाला है। तो अगर आप अमेज़ॉन पे जाते हो तो ये आपको 4,800 का मिलता है डिस्काउंट होने के बाद, जबकि हमारे पास ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 4,500 में और ये आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाएगा। आपको बस आपका एड्रेस दे देना है, हम आप तक डिलीवरी करवा देंगे।